ये तो नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूँ रॉकस्टार डूड और आज हम बात करेंगे साउथ एशिया के सबसे बेस्ट पबजी प्लेयर जोनाथन यानी जॉनी की। तो चलिए टपाटप करते हैं, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जोनाथन अमराल का जन्म 21 सितंबर 2001 को मिस्टर जूड अमराल और मिसेस लिटिशिया नुरुना के घर वेरला गोवा में एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ। वैसे जोनाथन एक काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर इंटरनेट और केबल ऑपरेटर हैं। जोनाथन के अलावा उनकी फैमिली में एक सिस्टर भी हैं, जिनका नाम लैरिसा अमराल है, जो कि करेंटली एक एयर होस्टेस हैं। वैसे बचपन से ही जॉनी काफी नौची किस्म के बच्चे थे और अपनी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर होने के नाते वो सबकी आंखों का तारा भी थे। 8 जनवरी 2012 को अपने फर्स्ट होली कम्युनियन के बाद वो 2013 में मुंबई आ गए। उनकी स्कूलिंग सेंट स्टेनिस्लॉस हाई स्कूल बांद्रा मुंबई से हुई है, और हाँ, ये वही स्कूल है जहाँ से सलमान खान की स्कूलिंग भी हुई है। वैसे जॉनी को बचपन से ही हॉकी खेलना काफी पसंद था, इसलिए स्कूल की तरफ से खेलते हुए उन्होंने काफी टूर्नामेंट भी जीते हैं, जैसे 2014 का MSSA हॉकी टूर्नामेंट। और अपने हाई स्कूल के बाद जॉनी ने इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए कॉमर्स स्ट्रीम चूज की। तो चलिए अब बात करते हैं जोनाथन की यूट्यूब जर्नी के बारे में। सो जॉनी जब 10 साल के थे तो वो उस समय दुबई में रहा करते थे। वो अक्सर अपने फादर के फोन पे कैंडी क्रश, क्लैश ऑफ क्लैन जैसे गेम्स खेला करते थे। उन्हें मोबाइल गेम्स खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर अपनी मॉम को आईफोन दिलवाने को कहते, बट उनकी मॉम का जवाब रहता कि क्या करोगे इस फोन का, पहले पढ़ाई फिर फोन। बट जॉनी बच्चा सबसे अच्छा, वो तो बस यही कहता कि मैं पढ़ाई भी करूंगा और गेम भी खेलूंगा। फाइनली कुछ साल बाद उन्हें आईफोन S मिल ही गया और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 25 फरवरी 2018 को क्रिएट किया। और इसी दौरान यानी मार्च 2018 में जब पबजी मोबाइल आया तो इस गेम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। बट जॉनी को इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें अपने ही अपार्टमेंट में रहने वाले एक भैया से पबजी मोबाइल के बारे में पता चला, जिसका गेम प्ले देख के वो काफी इम्प्रेस हो गए। इसलिए पबजी सीजन 2 के दौरान उन्होंने इसे डाउनलोड कर अपने कजिन के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। वो बस इस गेम को शुरू में शौक के लिए ही खेला करते थे। वो अक्सर अपने कजिन के साथ कस्टम मैच खेलते और उन्हें हरा दिया करते थे। बट धीरे धीरे अब वो इस गेम की बारीकियों को समझने लगे और क्लासिक मैच में अपनी स्किल भी बढ़ाने लगे। वो अक्सर मॉर्टल और स्काउट जैसे कॉम्पिटिटिव गेमर्स को देखा करते थे कि वो कैसे खेल रहे हैं। वो अब रैंक पुश भी करने लगे और उसके बाद उन्होंने एक क्लैन भी ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था स्कल क्लैन। इस क्लैन में जोनाथन के अलावा आशीष, सिल्वेस्टोन और ये क्या नाम है भाई, ये थे, जिनके साथ मिलकर जॉनी अब कॉम्पिटिटिव की तैयारियां भी करने लगे। साथ में अपनी स्किल को दिखाने के लिए वो अक्सर अपने यूट्यूब चैनल में लाइव स्ट्रीम भी किया करते थे विदाउट फेस कैम। वो पबजी गेम की और भी बारीकियों को समझने और सीखने के लिए चाइनीज प्लेयर्स के गेम प्ले और उनकी स्ट्रेटजीज को समझने लगे और उन्हें फॉलो भी करने लगे। 14 जून 2019 को PMCO स्प्रिंग स्प्लिट इंडिया, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, में उनकी स्कल क्लैन 2 पॉइंट से सेमीफाइनल के लिए चूक गई। सो उस समय ऑर्ब टीम, जो कि टूर्नामेंट में 6th पोजीशन पे थी, के प्लेयर अभिजीत आंध्रे यानी घातक जॉनी के गेम और स्किल से काफी इम्प्रेस थे, इसलिए उन्होंने जॉनी को अपनी टीम में आने का इनविटेशन दिया, जिसे जॉनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। घातक ने जॉनी को एज ए मेंटर गेम सेंस, सिनर्जी और टीम कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चीजें समझाई, क्योंकि एक हीरे की असली पहचान एक जौहरी ही कर सकता है। खैर, मिड 2019 में घातक, नियो, जोनाथन और परितोष ने एंटिटी गेमिंग क्लैन ज्वाइन की। वैसे जोनाथन इतना तगड़ा खेलते थे कि वो स्मोक के अंदर छुपे हुए एनिमी को भी आराम से मार गिरा दिया करते थे, और यहाँ तक कि कई लोग उन्हें हैकर तक बोलने लगे और गेमिंग कम्युनिटी में ये बात फैल गई कि जोनाथन हैकर हैं। यहाँ तक स्काउट ने भी जॉनी के कैरेक्टर आईडी का स्क्रीनशॉट लेके टेंसेंट में भी रिपोर्ट कर दिया टू बैन हिम। और अब सब लोग घातक को क्रिटिसाइज करने लगे कि टीम में हैकर रखा हुआ है, और सभी को गलत साबित करने के लिए घातक के रिक्वेस्ट पे आखिरकार जोनाथन ने ऑमलेट आर्केड से स्ट्रीम करना स्टार्ट किया और साबित किया कि वो हैकर नहीं है, कॉज ही इज लेजेंड इन पबजी मोबाइल। उनके पबजी में इनसेन स्किल को देख के अब कई कॉम्पिटिटिव प्लेयर भी उन्हें फॉलो करने लगे। और इधर सितंबर 2019 में हुए PMCO फॉल स्प्लिट साउथ एशिया ग्रुप स्टेज क्वालिफायर में टीम की पोजीशन 14th रही, लेकिन नवंबर 2019 में हुए PMCO फॉल स्प्लिट साउथ एशिया के 8 टीयर टूर्नामेंट में एंटिटी गेमिंग ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चैंपियन बनी, जहां $60,000 की इनामी राशि जीतने के साथ उनकी टीम ने PMCO ग्लोबल फाइनल के लिए मलेशिया के लिए अपनी टिकट पक्की की, जहां इस टूर्नामेंट में एंटिटी गेमिंग ने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ग्लोबल फाइनल्स में 5th पोजीशन हासिल की। और जोनाथन के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने 28 किल्स के साथ टूर्नामेंट में हाईएस्ट किल में 4th पोजीशन हासिल की।
और वो इंडिया के पहले पबजी ई स्पोर्ट्स प्लेयर बने जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। 6240 डैमेज के साथ वो टूर्नामेंट के थर्ड हाईएस्ट डीलर भी बने, जो कि इंटरनेशनल लेवल में इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। उसके बाद उनके क्लैन ने PMIS 2019 में फोर्थ पोजीशन हासिल की और कई ए और एस टीयर के टूर्नामेंट में भी भाग लिया। 6 मार्च 2020 को टीम सोलो मिड, बेटर नोन एज TSM, जो कि एक अमेरिकन ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने टीम के अचीवमेंट्स को देखते हुए एंटिटी गेमिंग से जॉइंट पार्टनरशिप कर TSM एंटिटी बनाई। उसके बाद TSM एंटिटी ने स्वभाव के अनुरूप खेलते हुए PMPL स्प्रिंग स्प्लिट 2020 रीजनल फाइनल्स में सेकंड पोजीशन हासिल की और जॉनी के कमाल के परफॉर्मेंस के चलते TSM एंटिटी ने PMIS के सेकंड सीजन को भी अपने नाम किया, जहां ज्यादातर जॉनी ही MVP रहा करते थे। और इधर एज ए यूट्यूबर उन्होंने जनवरी 2020 में 100K और अगले 6 महीने में उन्होंने यानी 7 जुलाई 2020 को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट किए, जहां अब वो लाइव स्ट्रीम में कभी कभार अपने फैंस के साथ मैच भी खेलते हैं और कहते हैं आ ये हैकर बोलते पापा बोलते जीरो किल भाई मैं नहीं खेल रहा। तो चलिए अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट जोनाथन। जोनाथन ने PMIS 2020 सेमीफाइनल के सिंगल मैच में 16 किल्स के साथ हाईएस्ट इंडिविजुअल किल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है। जोनी टू थंब विद फुल जायरोस्कोप प्लेयर हैं और आप उनके कंट्रोल को इस वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। वैसे जोनाथन इंडिया के पहले उन चुनिंदा पबजी प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने जीरो रिकॉइल M416 विद 6x स्कोप स्प्रे इंट्रोड्यूस किया। ऊपर से वो एक थंब प्लेयर भी हैं जिन्हें देखकर कई पबजी प्लेयर्स फिर से टू फिंगर टेक्निक में शिफ्ट हुए हैं। वो वर्ल्ड के बेस्ट असोल्टर और ग्रेनेडियर्स में से एक हैं और वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने क्लोज रेंज में जिगल मोमेंट को इंट्रोड्यूस किया। हाँ वही दे जिगल। उन्हें क्लोज रेंज फाइट में हराना बहुत ही मुश्किल है और ये बात इंडिया का हर पबजी प्लेयर भी जानता है। इवन मॉर्टल और स्काउट भी उन्हें बेस्ट पबजी प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। वैसे दोस्तों वो कहते हैं ना कि ट्रू चैंपियन पैदा नहीं होते बल्कि उन्हें तैयार किया जाता है। वो अपने हार्ड वर्क से काफी कम समय में वर्ल्ड के बेस्ट पबजी प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत से उन लोगों का मुंह बंद किया जो उन्हें हैकर वगैरह कहते थे। वैसे दोस्तों अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि चीजें खुद ब खुद नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है। और वैसे भी लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख लेते हैं। अपने लाजवाब परफॉर्मेंस से उन्होंने दिखा दिया कि इंडिया में गेमर्स की कमी नहीं है, उन्हें बस प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है जिससे आगे चलकर वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन कर सके। वैसे आई एम लिटरली फैन ऑफ रिकॉइल कंट्रोल ऑफ स्काउट OP, लेकिन जब से जोनाथन को देखा तो पता चला कि जीरो रिकॉइल नाम की भी कोई चीज होती है। सो दोस्तों अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो देख के टपाटप आनंद मिला हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करें, और अगर तुम न्योची लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो जॉनी भाई उन्हें कौन उठा के ले जाएगा दूध वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे यूट्यूबर की इंस्पायरिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब दुनिया बचाने भी तो जानना है। I wanna drink for no reason.